सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को मत दो। आज का पंचांग 2 मई 2024 दिन गुरुवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि, रात्रि 1:53 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 1:49 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2 बजे से 3:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 2:32 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। मीन राशि 2 मई 2024 दिन गुरुवार, समय कुछ अच्छा रह सकता है बहादुरी भरा, और आज आपको बहादुरी भरे कदम उठाने का भी अच्छा मौका मिलेगा। इसमें हिचकिचाइए मत, इसके स्थान पर मजबूत फैसला लीजिए। अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। शायद आपको अभी ये प्रतीत ना हो, पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहे अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा। कार्य और धन की परेशानी अभी आपके दिमाग को खराब कर सकती है। अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा जरूर करें। अपनी रचनात्मक भावना को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को लिखें और उनमें व्यस्त रहें। नए अवसर आय के एक और स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी परेशानी का साथ पुरानी परेशानी का आज समाधान मिल सकता है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण सामंजस्य रखने में मदद करेगा। बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ लगा रहेगा। कोई यात्रा कैंसल होने से राहत मिल सकती है। पुरानी बातों से खुद को दूर रखें, आप केवल अपने काम पर ध्यान दें। वर्तमान से जुड़ी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। आपके स्वभाव और विचारों में बदलाव आ सकता है। आध्यात्मिक बातों का सहारा लेते रहें, मानसिक शांति मिल सकती है। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए व्यापार में निवेश करने से बचना होगा। अपने पार्टनर की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश जरूर करें। सावधानियाँ, अपने बोलचाल का लहजा नर्म रखें। गलत शब्दों के प्रयोग से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी दुविधा की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उचित रहेगी। आलस और तनाव की स्थिति को अपनी दिनचर्या में स्थान ना दें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपको अपने प्रिय के प्रति अपना व्यवहार बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि वह तनाव में हो और उसका गुस्सा वह आप पर निकाली। अगर आप भी उसी तरीके से पेश आएंगे तो स्थिति बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। इसके बजाय उसकी समस्या समझे और समझदारी से काम लेते हुए व्यवहार करें। वे आपके प्रति नरम भी होंगे और आपका एहसान भी मानेंगी। अगर अब नहीं तो बाद में ऐसा जरूर करेंगे। बात करते हैं करियर की। आप आज कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो आपको एक दैनिक आधार पर इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके साथ वेतन में वृद्धि भी आएगी। इसीलिए ईमानदारी से काम करते रहें और लगातार अपने आप को प्रेरित करते रहें। हो सकता है कि लाभ आज दिखाई बिल्कुल ना दे, लेकिन आप एक बेहतर जीवन के लिए कल की दिशा में काम कर रहे हैं। अपने काम को पूरा करने के लिए अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग जरूर करें। बेहतर होगा कि अपनी नीतियों में कुछ परिवर्तन करें। नौकरी पेशे लोग किसी न किसी समस्या की वजह से परेशान रह सकते हैं।
नौकरी पेशा लोग किसी न किसी समस्या की वजह से थोड़े परेशान रह सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको अपने करीबियों में से भी किसी की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। चिंता बिल्कुल ना करें, यह अस्थायी चरण है और समय पर सही कदम उठा लेने से आप आसानी से अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे। आज चोट लगने की संभावना बनी हुई है। आपको गिरने और दुर्घटना से बचने के लिए अतिरिक्त सावधान रहना भी होगा। हो सके तो डॉक्टर के पास जाएं। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। आज आप विष्णु चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।